हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2। लेते हैं पहला क्वेश्चन। लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ ये एक कॉम्पोजिट फंक्शन है और कॉम्पोजिट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखें, यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ यू एक्स स्क्वेयर प्लस 5 और फंक्शन क्या बन गया, वाई इज इक्वल टू साइन यू। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान से देखिए, ये क्या बन गया, डी वाई डी एक्स साइन यू। हमारे पास एक स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है साइन का, साइन एक्स, उसको पता है कोज एक्स। यहाँ पे साइन यू है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोज यू। फिर यू का चेन रूल लगेगा डी यू डी एक्स, यह आपका आंसर है। लेकिन हमें यहाँ पहले डी यू डी एक्स की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। यहाँ देखें, यू है एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी यू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप देखें, हमने अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन जो है अगर वो प्लस हो गए हैं तो उनका डेरिवेटिव अगर हम ले रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। ये देखिए, डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स 5। अब देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, हमारे पास फार्मूला है एक्स की पावर एन डी वाई डी एक्स, क्या आ जाएगा जी, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए एन के जगह पे 2 है, यहाँ 2 आ गया, अगर एक्स की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1 प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, यहाँ एक 5 है, 5 एक कॉन्स्टेंट नंबर है और ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो क्या आ गया मेरे पास 2x। यहाँ पे वैल्यू पुट करें, कॉस यू आपने क्या लिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5 और डी वाई डी यू डी एक्स क्या आ गया 2x। आंसर क्या बन गया, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है जी, समझ आया कि हम चेन रूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब हमने क्वेश्चन करने कैसे है ये आपने अपने दिमाग में बिठाना है। देखिए कैसे, हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये देखिए, क्या ये x है, नहीं ये x नहीं, ये u है, हम इसे u मानेंगे और अपने माइंड में रखेंगे कि ये u है। तो मेरे पास बन गया साइन u, यहाँ पे क्या आएगा डी वाई डी एक्स साइन यू। साइन यू का डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए कॉज यू, मैं क्या लिखूंगा कॉज यू, लेकिन यहाँ यू यही रहने दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर इसका चेन रूल लगना है डी यू डी एक्स, डी वाई डी एक्स और यू यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5 और क्या बनेंगे कॉज एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसका डेरिवेटिव अभी आपने निकाला है कितना है 2x। तो इसे मैं आगे लिख देता हूँ, यह आ गया 2x इन cos स्क्वायर cos x स्क्वायर प्लस 5। तो दिस इज योर चेन रूल। ठीक है, मेरी बात समझ आई कि हमने क्वेश्चन करना है ऐसे है लेकिन माइंड में रखना है कि हम ये प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सेकंड। देन y इज इक्वल टू कॉज ऑफ साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, y इक्वल टू कॉज ऑफ साइन एक्स, अब हमने इसका डेरिवेटिव करना। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या चीज है, दिस इज योर u, ये बनकर कॉज u, आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या आ गया डी वाई डी एक्स, कॉज यू का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन यू, लेकिन यहाँ यू आपने साइन एक्स ही रहने देना है और फिर चेन रूल लग रहा है, फिर डी वाई डी एक्स इस साइन एक्स का डेरिवेटिव।
नेक्स्ट क्या होगा, देखिए माइनस साइन ऑफ साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोज एक्स, तो आपके पास क्या बन गया आंसर, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कोज एक्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, डेट वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। देखिए जी ध्यान से देखो, वाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, फिर यहां पे ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या है डी वाई डी एक्स साइन, इसे क्या अपने माइंड में बना रखेंगे यू, ये बन गया साइन यू, साइन यू का डेरिवेटिव कॉज यू, लेकिन यू यहाँ पे आपने इसे ही लिखना है, फिर उसे यू का डेरिवेटिव इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। आगे देखें ये कॉज ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव ये दो फंक्शन है अलग अलग हो जाएगा, डी वाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी वाई डी एक्स बी, क्या होंगे जी कोस ए एक्स प्लस बी। हाँ जी, हमने एक फॉर्मूला किया था कि जब हमारे पास कोई फंक्शन होगा अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो कांस्टेंट फंक्शन के बाहर आ जाएगा, ये जो ए कांस्टेंट है ये इस डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा ये यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे देखें डी वाई डी एक्स बी, बी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है और कॉन्स्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव जीरो। आप देखिए यहाँ पे देखो ये डी एक्स नीचे भी डी एक्स जो कैंसिल हो जाएगा, वन बचेगा, यहाँ पे सिर्फ आपके पास ए बचा, ए इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको पहले लिख देते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, वाई इज इक्वल टू सीकंट ऑफ टैन ऑफ रूट एक्स, तो इसमें कितने फंक्शन है, देखो एक ये दो और ये कुल मिला के तीन, तो तीन फंक्शन है इसमें, ये एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है और हम यहाँ अप्लाई करेंगे चेंज रूल। अब थोड़ा ध्यान से देखें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ जी क्या है डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप देखें इस ब्रैकेट वाले टर्म को हम क्या कंसिडर करेंगे यू, और ये बन गया सेकंड यू। अब सेकंड यू का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड यू यू यही यहां पे यही आएगा टेन रूट एक्स, ये बन गया सेकंड यू इंटू टेन यू टेन ऑफ रूट एक्स, देखो ना डी वाई डी एक्स ऑफ सेकंड एक्स क्या डेरिवेटिव होता है सेकंड एक्स इंटू टेन एक्स, तो क्या आ गया सेकंड एक्स, यहां पे एक्स जो है यू है तो ये यू आ गया सेकंड यू इंटू टेन यू, अब चेन रूल लगेगा इंटू डी वाई डी एक्स किसका इस यू का डेरिवेटिव, यू यहां पे क्या है टेन रूट एक्स, ठीक है जी। अब ये तो आपका सॉल्व हो चुका, ये टर्म जो है ऐसे ही आ जाएगी, ये देखें हाँ जी, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, आगे अगेन देखें टेन ऑफ रूट एक्स, अगेन देखिए ये जो रूट एक्स है ये अगेन यू का काम करेगा, तो ये बन गया टेन यू। आप देखिए डी वाई डी एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सीकंड स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया टेन यू, तो टेन यू का डेरिवेटिव क्या आ गया सीकंड स्क्वायर यू, सीकंड स्क्वायर यू, यू यहां पे कौन है रूट एक्स, फिर उस यू का चेन रूल लग के फिर से उसका डेरिवेटिव लेंगे डी एफ डी एक्स रूट एक्स, समझाया जी, एक बार फिर से देखें मेरे पास सीकंड टेन और रूट एक्स,
तीन फंक्शन है, मैं पहले इस फंक्शन को यू मान लेता हूँ, ये बन गया मेरे पास सीकन यू। सीकन यू का डेरिवेटिव होता है सीकन एक्स टैन एक्स, अगर वेरिएबल एक्स है। मैं यहाँ पे लिखूँ सीकन यू इंटू टैन यू, फिर यू का डेरिवेटिव, यू कौन है यहाँ पे टैन ऑफ रूट एक्स, ये एज इट इज। फिर अगेन देखो वही प्रोसेस, टैन यू ये इसका फंक्शन है, टैन यू का सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो एक्स की जगह पे कौन है और रूट एक्स, फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव चेन रूट। अब देखिए आपके पास आंसर बेटा सीकेंट ऑफ टैन रूट एक्स इंटू टैन ऑफ टैन रूट एक्स सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स इंटू। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, देखो इसका डेरिवेटिव क्या, मैं ऐसे लिखता हूँ डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 1/2, तो मैं यहाँ पे 1/2 लिख सकता हूँ। और क्या फार्मूला लगेगा ये देखिए, एक्स की पावर एन, तो क्या आ गया एन आगे आ जाएगा और इसकी पावर में एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 और फिर एक्स की पावर 1/2 में माइनस 1 हो जाएगा। फिर अगर आप फिर से चेन रूल लगाना चाहते हो तो x का फिर डेरिवेटिव होगा तो वो क्या आ जाएगा डी एक्स कौन एक्स, लेकिन ये कट जाएगा 1 आ जाएगा, इसलिए हम इसे नहीं लिखते हैं। ठीक है जी, तो इसे अब सॉल्व करें, देखिए सीकेंट ऑफ टैन रूट एक्स एज इट इज, टैन ऑफ टैन रूट एक्स सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स 1/2 आई, इसे सॉल्व करें 2 में से यहाँ 2 आ जाएगा माइनस 1/2 आ जाएगा एक्स की पावर माइनस 1/2। आगे सॉल्व कर लें, इस माइनस को हटाना है तो इसका जो बेस है वो डिनोमिनेटर में ले जाओ, आगे लिख लेते हैं इसे, मेरे पास आ गया जी सीकेंट ऑफ टैन रूट एक्स टैन ऑफ टैन रूट एक्स सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, और ये यहाँ ले लेते हैं अपॉन 2 अपॉन रूट एक्स। ठीक है जी, क्योंकि ये 1/2 तो रूट नहीं चलेगा, माइनस है तो नीचे रहेगा, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई को सी एक्स प्लस बी। तो इस फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट करना है, तो कौन सा फार्मूला रहेगा, देखिए हमारे पास फार्मूला होता है वही है डी वाई डी एक्स यू अपॉन बी क्वेश्चन 2। तो वो क्या फार्मूला होता है, वी स्क्वायर वी एज इट इज डी यू डी एक्स माइनस वी एज इट इज यू एज इट इज डी वी डी एक्स। तो यहां पे U है वो कौन है जी, साइन ए एक्स प्लस बी, और V है यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी। तो चलो करते हैं, देखें क्या बन गया dy dx क्या बन गया, यहाँ देखिए V स्क्वेयर, V कौन है जी कॉस सी एक्स प्लस डी, ये स्क्वायर है ये कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, न्यूमरेटर में क्या है वी एज इट इज कोस सी एक्स प्लस डी एज इट इज इनटू डी जो अपॉन डी एक्स, यू का डेरिवेटिव निकालना है, यू कौन है मेरे पास साइन, तो साइन का डेरिवेटिव निकालें डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। आगे देखिए माइनस यू एज इट इज, U को हमने ऐसे लिखना साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी वी डी एक्स, तो V कौन है यहाँ पे कॉस, तो इस कॉस का डी वाई डी एक्स निकालेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है जी, जैसे जैसे फॉर्मूला है वैसे मैंने अप्लाई कर दिया। अब देखिए आगे, अब हम इसे करेंगे डेरिवेटिव, देखिए जी cos ऑफ सी एक्स प्लस डी एज इट इज है,
इसमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा। यहां देखिए साइन ए एक्स प्लस बी को आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो साइन ए एक्स प्लस बी है तो ये एक कॉम्पोजिट फंक्शन है। अब कॉम्पोजिट फंक्शन को फिर सॉल्व करना तो चेन रूल लगेगा, हम इसे क्या कंसिडर कर लेंगे यू, ये आएगा साइन यू, साइन यू का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस यू, लेकिन यू की जगह पे आपने ए एक्स प्लस बी ही लिखना है इनटू फिर इसे यू का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। नेक्स्ट देखिए माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज, ठीक है जी। अब देखें इसका डेरिवेटिव निकाल लो कॉस का, तो ये कॉस यू का काम करेगा, कॉस यू का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन यू, लेकिन यू की जगह आपने सी एक्स प्लस डी लिखना है। फिर इस यू का डेरिवेटिव तो डी वाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी, ठीक है समझ आ रहा है। अब आगे डिनोमिनेटर में है कोस केयर सी एक्स प्लस डी, ठीक है जी। अब आगे देखिए यहां पे है कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, अब आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो ये दो फंक्शन है ए एक्स प्लस वी, तो इसका फंक्शन इसका डेरिवेटिव निकालेंगे क्या देगा, ये देखिए ए एक्स, तो ए यहाँ पे कांस्टेंट है, ए इसके बाहर आएगा, यहाँ एक्स है तो डी एक्स कौन है डी एक्स वन हो गया, मेरे पास यहाँ क्या बचेगा ए, आगे प्लस बी कांस्टेंट और डी वाई डी एक्स जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या देगा जीरो। आगे देखिए माइनस ये माइनस है ये माइनस, यहाँ पे ये माइनस को हमने ब्रैकेट में लिखना है अदरवाइज ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई है ये भी मल्टीप्लाई है, नेक्स्ट जो इसका हमने चेन रूल लगा के रखा वो मल्टीप्लाई है, तो ये माइनस और माइनस प्लस ये आ गया साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। अब देखिए इसका डेरिवेटिव निकालेंगे सी एक्स का, जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो सी कॉन्स्टेंट है सी डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स दैट इज वन, मेरे पास बचेगा ओनली सी प्लस डी है, डी एक कॉन्स्टेंट नंबर है उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई डी एक्स से तो क्या देगा जीरो। ये सारे फार्मूले हमने पढ़े हैं और मैं उन्हीं को अप्लाई कर रहा हूँ। आगे देखें अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये टर्म मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, ये टर्म मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, फिर देखें कुछ बनता है। यहाँ पहले तो देखो ए प्लस जीरो थे ए आ जाएगा यहाँ पे, अब देखिए ये है कॉस सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पे कॉस स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी है, तो ये ए कॉस से कैंसिल हो जाएगा, ए कॉस बचेगा ए कोस ऊपर जाके क्या बन जाएगा सीकंड, यहाँ पहले लिख देते हैं कोस ए एक्स प्लस बी एज इट इज, फिर इसे सॉल्व किया तो ए कोस कट गया तो ए कोस बचा, तो वन अपॉन कोस क्या था सीकंड स्क्वायर, वन अपॉन कोस क्या था सीकंड, यहाँ पे आ जाएगा सीकंड सी एक्स प्लस बी, ठीक है आगे क्या साइन है प्लस का, यहाँ देखिए ये कॉन्स्टेंट है सी, सी को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये वाला जो टर्म है इसके नीचे भी जाएगा, तो ये है साइन, पहले मैं लिख लेता हूँ साइन ए एक्स प्लस बी और इसके नीचे ये आ गया। अब देखें ये कॉस केयर है और ये साइन है, तो एक कॉस इसके साथ जुड़ जाएगा, तो साइन बटा कॉस क्या होता है टैन, टैन सी एक्स प्लस बी और यहां कोस बचा तो वन अपॉन कोस क्या होता है सीकंड सी एक्स प्लस डी, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, लेट वाई इज इक्वल टू कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर एक्स फाइव, तो ये देखिए दो फंक्शन हैं तो इनका प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, और ये यू है और ये बी है तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल होता क्या पहले हमें पता नहीं चाहिए, ये देखिए
वी नो दैट यू इंटू बी, और इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब हमें ये यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे क्या आ गया, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखें यू एज इट इज, ये यू है कॉस एक्स क्यू एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी, वी कौन है यहाँ पे ली साइन स्क्वेयर एक्स की पावर फाइव, आगे क्या है प्लस वी एज इट इज, वी कौन है साइन स्क्वेयर एक्स फाइव, साइन स्क्वेयर एक्स की पावर फाइव इंटू डी यू डी एक्स, यू कौन है यहाँ पे ये इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स क्यूब, ठीक है जी। यहां पे मैंने ये प्रोडक्ट रूल जो है मैंने अप्लाई कर दिया। अब हम इसे करते हैं डेरिवेटिव, ये देखिए कॉस एक्स क्यूब एज इट इज, कोई डेरिवेटिव नहीं होगा इसका, एज इट इज आ जाएगा। अब देखो इसका डेरिवेटिव करने जा रहा हूं मैं, यहां पे देखिए ये साइन स्क्वेयर है तो ये ऐसे है ये साइन एक्स की पावर फाइव ऐसे, अरे इसका स्क्वेयर है। अब इसका स्क्वेयर है तो यहाँ पे जो फार्मूला है वो कौन सा लगेगा वो आपने ध्यान देना है। ये देखिए एक्स की पावर एन, तो क्या बन जाएगा इसका एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। अब क्या करेंगे, मैं इसे अब क्या मान रहा हूं, ये अब यू का काम कर रहा है, क्या हो गया टू आगे आ जाएगा और फिर ये टर्म जो ये टर्म है उसमें से माइनस एक हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा साइन, एंगल वही रहेगा और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी वन, और फिर क्योंकि ये एक्स नहीं है ये यू है तो यू का फिर चेन रूल लगेगा डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर फाइव, समझा रहा है। फिर से देखो हमारे पास क्या है साइन स्क्वेयर एक्स की पावर फाइव, ये तो एंगल, पहले तो हम साइन स्क्वेयर को सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वेयर को मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन एक्स की पावर फाइव और उसकी होल पावर टू। अब ये काम ये जो इसे सॉल्व करना लगा हमें इस बेस को, तो ये इसके साथ इसका फॉर्मूला लगेगा एक्स की पावर एन वाला, ये अब x है तो x की पावर n क्या फॉर्म होता है n आगे आ जाता है और x की पावर जो भी होगी उसमें एक कम हो जाएगा। अब 2 आगे आ गया, ये देखो और ये जो बेस है ये 2 आगे आ गया और बेस ये बेस का जो पावर है उसमें से 1 एक माइनस कर दिया, 1 बचा। अब इस बेस का जिसे u है ये कंसीडर किया हमने, इसका डेरिवेटिव होगा चेन रूल लगेगा ना, तो यहां पे इसका डेरिवेटिव आगे देखें प्लस साइन स्क्वेयर एक्स की पावर फाइव एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करना है। अब देखिए ये कॉस है और ये एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं है, यहां पे इसे हम यू कंसीडर करेंगे, तो ये बनकर कॉस यू का डेरिवेटिव माइनस साइन यू, लेकिन यू आपको मैंने बोला कि आपने वही लिखना है जो यहां पे लिखा है, सिर्फ हमने माइंड में ध्यान रखना है कि ये यू का काम कर रहा है। अब इस यू को भी डिफरेंशिएट करना है तो डी वाई डी एक्स एक्स क्यू, ठीक है समझाया जी। नेक्स्ट देखिए ये टू कॉन्स्टेंट ऐसे बाहर ले आते हैं, ये आ गया टू कॉस एक्स क्यू, ये आ गया जी इंटू साइन एक्स की पावर फाइव, ये एंगल एक्स है ना। अब देखिए अब हमने इसका डेरिवेटिव करना है, अब फिर से ध्यान से देखें, अब यहां पे हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला कौन सा बनता है साइन एक्स वाला, तो ये साइन एक्स है तो हम इसे कंसीडर कर लेते हैं कि ये यू है,
क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, पर ये एक्स नहीं है, ये एक्स की पावर 5 है, तो इसलिए हम इसे मानेंगे यू। तो ये बन गया साइन यू। तो साइन यू का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस यू, और यू की जगह एक्स की पावर 5। अब इस यू को भी हम डेरिवेटिव करेंगे इंटू डी वाई डी एक्स एक्स की पावर 5। आगे देखें, ये माइनस है, मैं माइनस यहां लिख लू, और ये आ गया साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स की पावर क्यूब, और इसका डेरिवेटिव करें, ये देखें एक्स की पावर n, तो एक्स की पावर 3 है, 3 आपका आगे आएगा, और इसकी पावर एक्स की पावर में कम हो जाएगा 2। फर्दर अगर आप डेरिवेटिव करना चाहते हैं एक्स का, तो वो बनना आ जाएगा, तो क्या बन गया, ये देखिए 2 इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ एक्स 5 इंटू कॉस ऑफ एक्स 5, और एक्स 5 का फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएं, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर 5 है, तो क्या बनेगा 5 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस, ये 3x के पहले लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर फिर लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन इंटू एक्स की पावर 3। ये आपका आंसर है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ और है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 5x4 जो है आगे लिख लेते हैं, 5 और 2 10 बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स की पावर 4 आएगा, ये आ गया कोज एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स 5 इंटू कोज एक्स 5 माइनस 3x2 साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स की पावर, दिस इज योर डेरिवेटिव। ठीक है जी, थोड़ा लेंथी जरूर था, लेकिन अगर आप ध्यान से करें तो मुझे लगता है कुछ में मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लेट y इज इक्वल टू 2 इंटू कोट एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है। हाँ जी, कैसे करेंगे ये देखो, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ जी, कोट एक्स स्क्वायर और इसकी होल पावर 1/2। मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए डी वाई डी एक्स इज इक्वल, अब मैं डिफरेंशिएट करूँगा, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे डी वाई डी एक्स कॉट ऑफ एक्स स्क्वेयर द होल पावर 1/2। अब देखिए ये जो फंक्शन है ये यहाँ पे काम करेगा एक्स का, एक्स की पावर एन का क्या आ गया, एन आगे आ गया, तो एक्स की पावर एन माइनस वन आ जाएगा। यहां देखिए, तो यहां पे अगर ये वाला फार्मूला लगाना है तो यहां एक्स होना चाहिए, पर यहां एक्स नहीं है तो हम इसे यू मान लेते हैं। तो मेरे पास क्या आएगा, टू यू को डिफरेंशिएट करूंगा इससे, यू एन एन आगे, और एक्स जो यहाँ पे है, मैं यहाँ पे यू है, ये है कोट एक्स स्क्वायर, और इसकी जो पावर है उसमें माइनस वन हो जाएगा। फिर इस यू को डिफरेंशिएट करेंगे इंटू डी वाई डी एक्स कोट ऑफ एक्स स्क्वायर, चेनू लग गया ना इसमें, ये यू की पावर एन यहाँ पे हम इसको कंसीडर करेंगे, और एन आगे आ गया यू एन माइनस वन, लेकिन यहाँ पे इसे यही लिखना है, यू सिर्फ हमारे माइंड में है। फिर इसे यू का डेरिवेटिव आप देखिए, ये टू और टू कैंसिल, इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये है कोट एक्स स्क्वेयर और इसकी होल पावर यहाँ पे आ जाएगी माइनस वन बाई टू। ठीक है, सॉल्व करके ये देखिए हम कोट, ये फिर क्या कंसिडर करेंगे यू, ये बनेगा कोट यू। अब कोट यू का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसिकन स्क्वेयर, और यहाँ पे यू क्या है एक्स स्क्वेयर, फिर इस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव। ठीक है जी, समझ आया, कैसे देखो हमने ये यू कंसिडर कर लिया, यू की पावर एन डेरिवेटिव करेंगे, एन आगे आ गया, ये यू यू की पावर एन माइनस वन। अब इस यू को फिर से डेरिवेटिव करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, यहाँ पे ये बन गया, ये देखिए ये कट गया, ये आ गया सॉल्व करके। अब देखें अगेन
कोट एक्स स्क्वायर एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो कोट एक्स स्क्वायर ए यू कोट यू, तो कोट यू दैट इज कोट एक्स। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यू, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। फिर इसी यू का अगेन डेरिवेटिव, फाइनल आंसर क्या आ गया देखिए, कोट एक्स स्क्वायर पावर माइनस वन बाई टू, ये माइनस है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ जी इसका डेरिवेटिव ये बैक में लिख देते हैं, माइनस लगा हुआ है, एक्स की पावर टू तो टू आगे आ जाएगा और एक्स की पावर वन, उसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, माइनस ये टू एक्स पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे टू एक्स ये आ गया कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये अपॉन में चला जाएगा, क्योंकि माइनस वन बाई टू है, माइनस को हटाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा कोट एक्स स्क्वायर, और इसलिए मैं अनरूट में लिख सकता हूँ, ठीक है जी, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, तो देखिए आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ गया डी बाई डी एक्स, हाँ जी कोज एक्स है, ये यू का काम करेगा, कोज यू क्या हो जाएगा माइनस साइन यू, यू यहाँ पे क्या है रूट एक्स, फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का, तो रूट एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आगे देखें माइनस साइन रूट एक्स, हाँ जी क्या फार्मूला है एक्स की पावर एन का, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, तो वन बाई टू आगे एक्स की पावर वन बाई टू माइनस वन, आगे क्या माइनस साइन रूट एक्स वन बाई टू, हाँ जी इसे सॉल्व करें तो एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, आगे सॉल्व कर लें माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई टू, और ये भी नीचे आ जाएगा रूट एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन मॉडुलस, और एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, और हमने प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये वन पे डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। अगर ये फंक्शन वन पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और राइट हैंड डेरिवेटिव वो इक्वल नहीं होगा, तो हमने सिंपली इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, अगर वो इक्वल नहीं होगा तो ये फंक्शन जो है वन पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लीजिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स अप्रोचेस वन माइनस वन के ऊपर ले रहे हैं लेफ्ट हैंड, तो वन माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, ठीक है जी डेफिनेशन यही कहती है मैं, हाँ जी वैल्यू पुट करें यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस वन माइनस एफ एक्स, यहाँ पे क्या है मॉडुलस एक्स माइनस वन माइनस एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन की वैल्यू ले रही यहाँ पे, यहाँ वन रिप्लेस करें, यहाँ वन रिप्लेस करें, वन में से वन क्या जीरो, जीरो का मॉडुलस अगेन जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, ठीक है जी। अब हम इसे लिमिट को सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एच, एच यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है, और व्हेन एक्स अप्रोचेस वन माइनस सो दैट एच अप्रोचेस जीरो, क्या बन गए लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, यहाँ पे एक्स माइनस वन की जगह पे क्या लिया एक्स को रिप्लेस करेंगे वन माइनस एच माइनस वन अपॉन वन माइनस एच माइनस वन, ये देखें ये वन और ये माइनस वन कैंसिल है, ये वन और ये माइनस वन कैंसिल है, हमारे पास बचा लिमिट एच अप्रोच जीरो माइनस एच, और माइनस एच का मॉडुलस प्लस एच, और नीचे माइनस एच, ये एच से एच कैंसिल, मेरे पास क्या बच गया फिर माइनस वन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स अप्रोचेस वन प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, ये देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस वन प्लस एफ एक्स कितना मेरे पास एक्स माइनस वन मॉडुलस
माइनस, फिर एफ ओ वन की वैल्यू यहाँ निकालेंगे, वन में से वन गया जीरो, यहाँ पे जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। अब हमने इस राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करना है। लीजिए क्या करते हैं हम, पुट एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एच, एच यहाँ पे पॉजिटिव है, और व्हेन एक्स अप्रोचेस वन प्लस सो दैट एच अप्रोचेस जीरो। लीजिए क्या बन गया, ये बन गया लिमिट एच अप्रोचेस जीरो। हाँ जी, एक्स रिप्लेस हो जाएगा वन प्लस एच से, माइनस वन मॉडुलस डिवाइडेड बाई वन प्लस एच माइनस वन। देखिए ये वन और ये वन कैंसिल, ये वन और ये वन कैंसिल, मेरे पास होता है लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, एच एच का मॉडुलस एच, और नीचे भी एच पॉजिटिव, ये एच से एच कैंसिल, यहाँ वन हो चुका है। लिमिट अप्लाई करें तो मेरे पास क्या बन जाएगा वन। हम क्या देखते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरे पास माइनस वन है और राइट हैंड डेरिवेटिव मेरे पास वन है, तो ये जो फंक्शन है इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है वन के ऊपर, अगर नहीं है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। जी लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि एफ एक्स एक ग्रेटर देन इंटीजर गिवन है और एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर और थ्री से लेस है। हमने प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये वन और टू दोनों के डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम जैसे हमने नाइन्थ क्वेश्चन में किया कि हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, देखेंगे इक्वल है या नहीं है। चलिए पहले हम करते हैं एट एक्स इक्वल टू वन पे चेक करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस वन माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। करें यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस वन माइनस एफ एक्स की तरह, यहाँ पे एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, आगे माइनस एफ ओ वन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो सॉल्व, ये वन माइनस है तो यहाँ पे पुट करें एक्स इक्वल टू वन माइनस एच, एच पॉजिटिव नंबर है, और व्हेन एक्स अप्रोचेस वन माइनस सो दैट एच अप्रोचेस जीरो। हाँ जी, करें यहाँ पे अप्लाई, यहाँ पे आ गया लिमिट एच अप्रोचेस जीरो। हाँ जी, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा आपका वन माइनस एच, यहाँ पे लिखते वन माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस। हाँ जी, आगे देखिए वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एच माइनस वन। अब सॉल्व करते हैं, ये देखिए वन से वन कैंसिल, अब हमने वन माइनस एच को सॉल्व करना है। यहाँ देखें ये है जीरो, ये है वन, ये है माइनस वन, ठीक है जी। अब देखें वन माइनस एच जो है वो पॉइंट कहाँ पे होगा, ये वन है, ये वन वन माइनस एच, मतलब वन से थोड़ा सा कम, क्योंकि एच जो है वो कोई पॉजिटिव नंबर है पर वेरी स्मॉल। हो सकता है कि ये जो वन माइनस एच है ये ऑलमोस्ट 0.98 हो, 0.99 हो, मतलब वन से कम है। अब देखिए अगर ये वन से कम है तो फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ऑलवेज लेफ्ट। तो इसके इस पॉइंट के इमीडिएट लेफ्ट में इंटीजर कौन है, जीरो। तो इसका क्या आंसर आएगा, जीरो। यहाँ पे आ गया लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, आगे माइनस वन अपॉन माइनस एच, ठीक है। फिर आगे क्या बन गया, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, ये माइनस कैंसिल, वन अपॉन एच। अब देखिए लिमिट एच अप्रोचेस जीरो वन अपॉन एच कितना आंसर आएगा, लिमिट अप्लाई करें वन अपॉन जीरो, तो वन अपॉन जीरो क्या आता है, इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब,
कि ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, किस पे? वन पे। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमें राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब एग्जिस्ट नहीं करेगी तो राइट हैंड डेरिवेटिव का मीनिंग रह जाता। तो फिर ये जो फंक्शन है ये क्या देगा, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। ठीक है जी, आप चाहे इतने चाहे लिख सकते हो, इससे पहले एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ गई तो एग्जिस्ट कहाँ कर रही, वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करी, तो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू वन, सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू वन। ठीक है जी, सेकेंड पॉइंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट है एक्स इक्वल टू टू, सेकेंड पॉइंट है एक्स इक्वल टू, तो लीजिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव टू पे, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। आगे देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस, तो एफ ऑफ एक्स कितना है, ग्रेटेस्ट डिजर ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू, मतलब टू का ग्रेटेस्ट डिजर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। तो प्रूव करना अपने से, सॉल्व करना है इसे, है ना, तो पुट करें x इज इक्वल टू टू माइनस एच, एच ग्रेटर देन जीरो, और वैन x अप्रोचेस टू माइनस सो दैट h अप्रोचेस जीरो। हाँ जी, क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट h अप्रोचेस जीरो, और x रिप्लेस हो जाएगा टू माइनस एच से, माइनस टू का ग्रेटर जीरो क्या होगा जी, टू, नीचे देखिए 2 माइनस एच माइनस टू, ये 2 से 2 कैंसिल। आगे देखिए 2 माइनस एच जो है इसका ग्रेटेस्ट डिजिट कितना होगा, ये देखते हैं, ये है 0, ये 1 है, ये 2। 2 माइनस एच पॉइंट कहाँ पे होगा, 2 से थोड़ा सा कम उसके लेफ्ट साइड, क्योंकि एच कोई ना कोई तो नंबर है ना, चाहे पॉइंट 001 ही ना हो, एच कोई ना कोई पॉइंट है, एच कोई ना कोई वैल्यू है, चाहे वो पॉइंट 001 ही हो, लेकिन 2 से तो कम हो जाएगा ना, तो 2 से कम होगा लेफ्ट साइड आ जाएगा। अब इस पॉइंट का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, इमीडिएट, ये देखिए 2 के बाद जो लेफ्ट साइड जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 1 है, तो इसका कितना असर आ जाएगा, 2 माइनस एच का 1 है, और आगे माइनस टू, नीचे देखें माइनस एच, सॉल्व करें लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, ये माइनस वन अपॉन माइनस एच, फिर ये माइनस माइनस कैंसिल, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो वन अपॉन एच, देखिए लिमिट अप्लाई करें वन अपॉन एच, यहाँ पे जीरो देगा, वन अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी। अगेन दिस फंक्शन जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट एट टू, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करते लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो क्या होगा, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू टू। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करती है तो फिर राइट हैंड डेरिवेटिव का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। तो दैट्स ऑल।